हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रेवल वी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोलर इन्वर्टर। अगर आप सोलर इन्वर्टर परचेस करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कुछ अमेजोन से बेस्ट सोलर इन्वर्टर सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो जैसा आपका लोड हो उस हिसाब से आप सोलर इन्वर्टर परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मॉडर्न टाइम में जो सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं वह दो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आ रहे हैं, PWM और RMPPT टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी में आपका जो सोलर इन्वर्टर है वो सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकता है, लेकिन PWM टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बैकडेटेड टेक्नोलॉजी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सोलर इन्वर्टर परचेस करने जा रहे हैं तो RMPPT टेक्नोलॉजी का ही सोलर इन्वर्टर परचेस कीजिए, क्योंकि यह सोलर इन्वर्टर सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो रेड कलर का बटन है इस पर जल्दी से क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही है यूटेल गामा प्लान। इसको मैंने 17 मार्च 2020 को, मतलब लास्ट ईयर, मैंने इसको परचेस किया था। और यह भी एक RMPPT है। RMPPT का मतलब है कि यह RMPPT सोलर पैनल से मैक्सिमम करंट जनरेट कर सकता है, क्योंकि RMPPT में सोलर पैनल से जो वोल्टेज जनरेट होती है, एक्स्ट्रा वोल्टेज होती है, तो उनको एम्पियर में कन्वर्ट करके यह बैटरी को चार्ज करता है, जिससे आप सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्वर्टर है और इसमें आप 800 वाट तक आप लोड इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें रेटिंग भी 4 स्टार रेटिंग है इसमें, और यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी कम है, 6,666 रुपीज है। और जो सेल आएगी उसमें इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। अगर आप कार डिस्काउंट भी इसमें ऐड करेंगे तो काफी कम इसके प्राइसेस हो जाएंगे। और इस इन्वर्टर को मैं भी यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा इन्वर्टर है। इसमें आप 1000 वाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हो। और यह एक 12 वोल्ट का मॉडल है, 24 वोल्ट का भी मॉडल आता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 12 वोल्ट का मॉडल परचेस कीजिए, क्योंकि सिंगल बैटरी में भी चल जाएगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा बैटरी का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में और बैटरी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आप इसके बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें एक और बैटरी आप इसमें पैरेलल अटैच कर सकते हैं। इन्वर्टर काफी अच्छा है और इसमें आप 12 वोल्ट के और 24 वोल्ट के दोनों ही तरह के इसमें आप पैनल इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस इन्वर्टर के बारे में, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट सोलर सिस्टम के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इस यूटीएल गामा प्लस इन्वर्टर को आप देख सकते हो, उसकी सारी टेस्टिंग उसमें शो है। तो इन्वर्टर बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, एक PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर भी आते हैं, वो थोड़े बैकडेटेड हो गए हैं, तो वो थोड़े सस्ते भी रहते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप PWM टेक्नोलॉजी के भी सोलर इन्वर्टर परचेस कर सकते हो, बट अच्छा RMPPT टेक्नोलॉजी वाले ही सोलर इन्वर्टर ज़्यादा सोलर पैनल से वोल्टेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो आप ल्यूमिनस के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 1100 और जो कि 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, आप इसके साथ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें आप सिंगल बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा लाइट वेटेड इन्वर्टर है, मतलब इसमें आप हल्का फुल्का लोड चला सकते हैं। इसकी एसी पावर रेटिंग है, मतलब 700 VA का है, मतलब आप इससे 550 वाट तक का आउटपुट ले सकते हो इन्वर्टर से। और इसमें आप 800 वाट तक के सोलर पैनल इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 12 वोल्ट के। तो यह भी एक इन्वर्टर ठीक है, काफी सस्ता है और सेल में तो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। और यहाँ पर इसकी रेटिंग भी अच्छी है, 4.1 इसकी रेटिंग है, तो काफी अच्छा यह ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। यह PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप कंप्लीट किट परचेस करना चाह रहे हैं, तो किट को परचेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन सभी प्रोडक्ट की आप अलग अलग कॉस्ट को ऐड कीजिए। अगर वह कॉस्ट इस प्राइस रेंज से कम आती है तो आप अलग अलग परचेस कीजिए, और वह कॉस्ट अगर ज़्यादा आती है तो इसी को ही आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सोलर सिस्टम मिल जाएगा। इसमें एक बैटरी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह NXG 1100 इन्वर्टर है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। और यहाँ पर 150 AH की आपको बैटरी भी एक मिल रही है, और यहाँ पर आपको 165 वॉट के 2 पैनल्स पॉलिक स्टाइल आपको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल इनका कॉस्ट है लगभग 28,000। 10 डेज रिप्लेसमेंट है। तो अगर आपका बजट काफी कम है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं UTL का यह इन्वर्टर। यह एक PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर PCU है, प्योर साइन मेड इन्वर्टर है और स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर PCU है। PCU में फ्रेंड्स ज्यादा सेटिंग होती है, जैसे कि आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसी की तरह हम इस इन्वर्टर को भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। इसका प्राइस है 21,000 रुपीज। 10 डेज रिप्लेसमेंट है और यहाँ पर इसके सारे फीचर्स बताए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफी फंक्शनिंग है। अगर आपका बजट कम है तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। और यहाँ पर इसमें आप ये PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर इन्वर्टर है और यह ऑफिस होम के लिए दोनों के लिए बेस्ट रहता है। तो इसमें आप 6 पैनल 330 वॉट या 350 वॉट के 24 वोल्ट के आप इसमें इजीली इंस्टॉल कर सकते हो।
2000 वाट तक के आप इसमें पैनल इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें बैटरियों के जो कैपेसिटी है वो भी लिखी हुई है, आप इसमें 100 AH, 120 AH, 150 AH, 200 AH और यहाँ पर लास्ट 250 AH की भी बैटरी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और जहां तक अगर हम लोड की बात करें तो इस सोलर इन्वर्टर से आप लगभग 1.8 वाट तक के अप्लायंसेस आप ऑपरेट कर सकते हो, यानी कि इस इन्वर्टर से आपका 1 HP का समरसेबल या 1 HP का जो पानी का मोटर होता है वो इजीली रन कर जाएगा। प्योर साइन बिल्ट इन्वर्टर है बट यह PWM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा जिसे आप सब कुछ रन कर सकते हो, इसी भी रन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यह है वो सोलर इन्वर्टर, यह स्मार्टन कंपनी का सुपर 2500VA का 24 वोल्ट का 50 एम्पियर का MPPT सोलर PCU है। मतलब यह है, जैसा कि मैं इसको रिकमेंड करता हूं कि आप यह सोलर इन्वर्टर परचेस कीजिए। और ज्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, लगभग 16,500 रुपीज इसका प्राइस है। 10 days रिटर्नेबल है, 2 years की वारंटी आपको मिल रही है। व्हाइट कलर है, काफी अच्छा इन्वर्टर है, काफी अच्छा PCU है। मतलब इसमें आपको काफी सेटिंग मिल जाएगी, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट भी कर सकते हो। इसका मैं बैक पैनल आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका ये बैक पैनल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 वोल्ट का यह इन्वर्टर है, यानी आप इसमें 12 वोल्ट की दो बैटरियों को सीरीज में अटैच कर सकते हो। और यहाँ पर ये बैटरी को टर्मिनल को आप अटैच कर सकते हो और यहाँ पर आप सोलर पैनल अटैच कर सकते हो। चलिए और इसके स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं। यह इसका साइड व्यू है और यहाँ पर इसके सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे कि यह कितना कैसा परफॉर्मेंस करता है। इसमें 1500 से 1800 वाट तक के आप सोलर पैनल इसमें अटैच कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यह LED एडवांस DSP कंट्रोल्ड और इफिशियंट वर्किंग, जैसा कि मैंने बताया था कि यह MPPT कंट्रोलर इसमें लगा हुआ है, 30% मोर इफिशियंट 50 एम्पियर MPPT टेक्नोलॉजी सोलर कंट्रोलर। सपोर्ट्स पैनल अप टू 1500 टू 1800 पैनल। तो यह है काफी अच्छा PCU है, आप इसको यूज कर सकते हो, PCU इन्वर्टर। ठीक है, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है तो मैं आपको इसी इन्वर्टर को परचेस करने का रिकमेंड करता हूं। इसके और स्पेसिफिकेशन यहां पर लिखे हुए हैं। इसमें आप 1 HP का समरसेबल पंप इजीली रन कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें आप मैक्सिमम पैनल 1500 टू 1800 वाट तक के आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। 24 वोल्ट के पैनल आप इसमें पैरेलल अटैच कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम आप 1800 वाट तक के आप इसमें लोड कैपेसिटी, इसकी लोड कैपेसिटी 1800 वाट तक की है। और इसमें 10 square mm का आप DC वायर यूज कर सकते हो। मतलब ये अब तक का बेस्ट सोलर PCU है। और भी इसके डिटेल्स वगैरह हैं, ये आप पढ़ सकते हो, काफी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। दो बैटरी आप इसमें यूज कर सकते हो सीरीज में और ये कंप्लीट इसका डिटेलिंग चार्ट है, इसमें भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अब तक का बेस्ट सोलर PCU है और इसमें आपकी 1 HP की मोटर भी चल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।